हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 8 o'clock। तो अभी उठी मेरा, मैं कल 12 बजे सो गई थी, बट मेरी नींद हो गई थी 4-5 बजे तक। यहाँ पे नींद फटाक से हो गई और बहुत फ्रेश नींद है, बट मैं यहाँ पे और ऐसे ही लाई डाउन कर रही थी। मतलब मुझे सुबह उठना था, डू वॉन्ट टेरेस एंड एवरीथिंग, बट इतना मस्त लग रहा था, बहुत शांति थी। तो मैंने बोला क्यों नहीं, लाइक डूड ऐसे लग रहा है, ऐसे मुंबई में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट। अभी वो ऊपर आ नीचे इतनी लेडीज जोर जोर से चिल्ला के बात कर रही है, लाइक क्या यार शी व्हाट्सएप। और ये हमारा सूरज उग गया है, सब लोग प्रणाम करो सूरज देवता को। मेरा मैंने प्रणाम कर लिया पहले, आँख नहीं खुल रही है मेरी क्योंकि इट्स टू सनी। बट ये मेरे पीछे का व्यू देखो, यहाँ पे कब से मोर मस्त अपना साउंड निकाल के मस्त बोल रहे हैं। ये क्या शांति है भाई। और ये देखो पीछे, ये मेरे नाना का टेरेस है इधर है, और थोड़ा उस साइड भी है। और ये हम पीछे देखते हुए, द बेस्ट थिंग इन द गांव इज द नेटवर्क। और पीछे पूरे माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, फार्म्स है, सबके खेत है वहाँ तक पूरा लास्ट तक। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स इन द मॉर्निंग गाइस। बहुत मस्त है, बहुत मस्त। पापा इज योर फॉर इज योगा, एंड जो मैं हूँ वो नहीं आई हूँ। ये इज टेकिंग इज विटामिन डी। हाँ मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। डूइंग इज योगा गाइस, चेक कर लो, ये सारा चीज़ें मैंने सिखाया इनको। बज रहा है 9, अभी जस्ट हम योगा करके आए ऊपर। अभी लाइट नहीं है, ये तो चार्जिंग वाला बल्ब है हमारे ऊपर। ये पीछे हमारा मंदिर है। अभी मस्त इतना अच्छा प्राणायाम किया हमने, इतना अच्छा सन बाथ लिया। मतलब वेन एवर यू टेक सन बाथ, मेक श्योर यू टेक अपने बैक पे, सो आपके बैक से जो सारा नाड़ीज है कनेक्टेड वो सारे चले जाएंगे, बिकॉज द स्पाइन इज द बैक बोन ऑफ योर बॉडी। सो यस, और सो हमेशा बैक पे जितना एक्सपोज होके लोगे सनलाइट वो बेटर होगा। और वी डिड प्राणायाम एक्सरसाइज एवरीथिंग, सो बहुत अच्छा लगा। मतलब जस्ट अभी हम गाय आए हैं, तो गाय को हम थोड़ा खाना देंगे, हम कुछ ब्रेकफास्ट ब्रश करेंगे, उसके बाद हमें रेडी होके मंदिर जाना है जो सिरोही में है, अम्बेश्वर महादेव का मंदिर, उसके लिए हम आए हैं महादेव जी का दर्शन करने। सो लेट्स गो, अभी लाइट नहीं है, आई नो आई एम नॉट चार्जिंग गाइस। अभी हमने जो आपको रात को दिखाया था उसका व्यू, ये तो हमारे वॉशरूम से जो कपड़े लटक रहे, सॉरी, उसका व्यू कुछ ऐसा है। ये वॉशरूम्स है और दिस इज द व्यू। हाँ पापा, फ्रॉम द, मतलब इतना यू नो स्वीट जैसा है कि वॉशरूम का भी व्यू है कि हम ये दरवाज़ा जो है बंद कर सकते और ये खुला रखे आराम से नहा सकते, क्योंकि हमारे सामने वैसे भी कोई नहीं रहता। इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। और ये अभी जो आप देख रहे हो ना, वो हमने ये गोली बनाई है, पारा की गोली। पारा इज़ बेसिकली मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी की गोली बनाई है हमने। अभी मुझे ब्रश करना बाकी है गाइस, तो वो हम वो गेहूं में रखेंगे। तो हमने वो सीखा आज पारा की गोली कैसे बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी से वो करके। अभी हम लोग जाएंगे, उसके पहले हम अंदर रख देंगे, कोई हमारी गोली ले ना ले, मतलब बेसिकली कोई ऐसे कुत्ते और ये घूमते रहते हैं। और ये सारी गाय लोग आए थे, अभी हमने उनको सब दिया। फिर वहाँ पे है ना पीछे जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे स्क्विरल्स आती है, वो देखो छोटी छोटी स्क्विरल्स आती है, और पीजन्स आते हैं मकई का दाना खाने। ब्लेस गाइस, इतनी शांति। और यहाँ के पीछे केदारेश्वर है जो इतना गाना बज रहा कल रात से, क्योंकि आज शिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि यू गाइस एवरीवन, द फर्स्ट लव मैरिज इन द entire universe happened today, and may the Shiv and Shakti always be there inside you, and yeah, matlab
just thank you and everyone just enjoy fasting. आज मेरा fast है और just fast enjoy the vibe, the vibrations, everything. अभी हम नहा के आ रहे हैं. गाइस अभी मुझे पता चला 8 मार्च है. मुझे शिवरात्रि याद थी, वुमेंस डे याद ही नहीं था. सो हैप्पी वुमेंस डे यू गाइस. और हर औरत को छोटी बड़ी सब एज के इट्स जस्ट आप है तो सब है. मेंस के लिए भी ऐसा है कि आप है तो सब है. बेसिकली हैप्पी वुमेंस डे. वट एवर यू आर डूइंग बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू आर ब्यूटिफुल. जो लोग कुछ भी बोले लाइक मी, मुझे कुछ भी बोलते आई डोंट केयर. इट्स नॉट लाइक आई डोंट केयर बट या So be you are beautiful and just be what you are. So peace out and happy women's day. I am with the beautiful woman of my life. I'm with my mom and I'm with my nani. So this is going to be. उनको पता नहीं आज वुमेन्स डे, तो मुझे भी अभी जाके उनको विश करती हूँ. तो उनका रिएक्शन कैसा है. अभी हम जस्ट ना क्या आ गए थे. ये वाला टी शर्ट जो हमने कल धोया था. अभी हम करेंगे स्किन केयर और लेट्स गेट रेडी फॉर महाशिवरात्रि. हैप्पी वुमेन्स डे मॉम. ये हमारी वुमेन को देखो, किचन में है. नानी जी हैप्पी वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे. गंगा जी हैप्पी वुमेन्स डे. पता है कावी है. औरत रो दारो सब अबे औरत ने सेलिब्रेट. जी हम स्किन केयर कर रहे हैं. सो आई विल जस्ट अपडेट. दिस द परफ्यूम जो मैं लेके आई हूँ. बॉडी शॉप का है ये. मस्त है. लाइक इट्स वीगन. इट्स द लिप मास्क व्हिच आई एम यूजिंग. ये सीरम बहुत अच्छा है. यहाँ पे लग रहा है बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है. तो मैं बॉम्बे में जब लगाती हूँ तब इट्स लाइक वेरी नॉर्मल. बट यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है. दिस सीरम एंड इट्स वेरी गुड. लाइक इफ यू हैव ड्राई स्किन प्लीज गो फॉर दिस. लाइक इट्स द बेस्ट सीरम. ड्राई और अच्छी है. मतलब लॉन्ग लास्टिंग है. फिलहाल के लिए मैं ये मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ प्लम से. बट प्लम से तो इट्स नाइस बट इट्स नॉट गिविंग दैट इफेक्ट. सो आई थिंक कि आप विटामिन सी वाला ऐड करें, क्योंकि विटामिन सी अभी ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं ऐड करूँगी. बट इट्स नाइस, आई लाइक इट. मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ये वाला है मेरा. ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन प्लीज़ गो फॉर दिस सनस्क्रीन. इट्स द बेस्ट. अभी का शिवरात्रि का उपवास का खाना है भाजी शामा और शीरू. डे इज गोइंग ऑन. ये हमारी ऑटो खड़ी है, सब लेट है. ये मेरे नानी का घर है. जस्ट टू ब्यूटिफुल. और ये गाय हमारे डोर पे आके खड़े रहते हैं रोज. अच्छा है ऐसे गौ सेवा होती रहे. बज रहा 12. ये है हमारी गली बामनेरा की. और ये हम रेडी हो चुके हैं. दिस इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग. और इट्स ब्यूटिफुल क्लाइमेट राइट नाउ. ठंडी है गर्मी है दोनों. गर्मी नहीं है बट अब है ऐसे. और अभी हम जा रहे हैं आम्बेश्वरी जो है सिरोही में. तो हर हर महादेव. इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग आई होप. या रेडी हो गए. ये है हमारी सवारी जो हम इसमें जाने वाले हैं. सो और ये हमारी भाकरी. हम ऐसे हर गांव का एक माउंटेन होता है छोटा सा हिल. तो ये हमारे गाँव की है. अम्बेश्वर महादेव की जय. केदारेश्वर महादेव की जय. चालू होती है. ऊपर तक जाना है. इसके भी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स बनाए.
तो आप लोग व्लॉग्स देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत गर्दी है और आज यहाँ पे बंदर भी बहुत है, तो आज सब ढापे हुए रहेंगे, मतलब पेड़ भरा रहेगा उनका। नानी इज़ गोइंग टू टच द फर्स्ट स्टेप, ऐसा रहता है कि फर्स्ट स्टेप टच कर लिया तो यू नो कि आपने चल लिया, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकती। तो आज सब बंदर का पेट भरा रहेगा, तो दे वोंट अटैक अस, मतलब ऐसे अटैक नहीं करते, वो कुछ रहता है तो लेके चले जाते। बहुत बंदर है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लेपर्ड भी है, भालू भी है, मंगूस भी है, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिसके पत्थर बहुत ये है, चल रहे अच्छे लोग हैं लाइक रियली। गिरा देता वो मेरे को, अभिषेक पहला नंबर है। आज के दिन ये ज्यादा ही बड़ी लग रही है कुछ, बंदर के लिए बहुत फूड है। सी सब लेके चले गए आज, बहुत कम दिख रहे हैं। ये वो देख मंगूस था, वो देख उसकी पूछ। जय योर बीच गाइस, फुल भरा हुआ है, इतना मंदिर मस्त सजाया है। एट लास्ट हम लोग ने शिवरात्रि आंबेश्वर जी में कर दी। व्हाट फन गाइस, मस्त सजाया मंदिर। तो बज के हो गया है ना, वी आर गोइंग डाउन, उतर रहे अभी हम लोग। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बहुत मजा आया। एंड हमने ये चंदन भी लगाया है जो पंडित जी ने लगाया है, पुजारी जी ने लगाया है हमें। सो बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब मुझे लगता है 1000 तो आ ही गए रहेंगे जब तक मैं हूँ। जय There's always somebody saying, और मैंने एक बात सीखी आज, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। I feel so good guys, यहाँ पे आके इतना मस्त लग रहा है। It feels so cleansing, दिमाग there is, mind is super शांत एंड mind जो thinking thoughts आ रहे थे ना, thoughts आ रहे at once, through your breath, you just गोल में आपका स्वागत है मदन मामा, आपका जमीन करण मामा की जमीन, ये करण मामा की जमीन है पीछे गई वो, और ये नानी का गांव है। नानी की चेहरे पे खुशी देखो गाइस, अभी उनको सब याद रहेगा, अभी वो हंसते ही रहेंगे, अभी उनको कुछ दुख नहीं रहा है शरीर में। She is super happy now. नानी के गांव में आ गए हैं हम, सती माता के यहाँ पे। जय। हेलो गाइस, अभी आई एम गोल में। ये गोल का नूरा देख लो पीछे, ये इनका नूरा है जैसे हमारे इसमें है। इनका पहले बना था फिर हमारा बना था, और हम गोल में हैं नानी के गांव में। अभी हम आए हैं बाबू मामा को ढूंढने, जो नानी जी के पहले भाई है, मतलब फर्स्ट बिग ब्रदर। वो हमें मिल नहीं रहे, वो फोन लेके नहीं जाते अभी, वो ढूंढ मिल नहीं रहे, मतलब कहाँ पता क्या है अभी, लेट्स सी। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, और ये इनका मंदिर है, ये इनका मेन जगह है, सेंटर ऑफ द गाँव। मंदिर के दर्शन कर लो फ्रेंड्स झाड़ के, दिस हाउ इट लुक्स। गोल का एंट्रेंस वहाँ से है स्टार्टिंग, और ये यहाँ से सती माता मंदिर की गली। ये यहाँ पे एक कुआ है जो बहुत अंदर तक का है, अब देख सकते हो यहाँ से पूरा नीचे तक है, वो बहुत नीचे है ये कुआ। गली ऐसी है ये लोग की,
सती माता के दर्शन कर लो। नानी जी साइड में हो जाओ। अभी आए हैं हम नानी के भाई के घर। दिस इज उनका घर, नया बनाया है, ऐसा दिखता है। अंदर भी बहुत बड़ा है। ये हुआ मिल गए, आ गए आ गए आ गए। बाबू मामा मेरे लिए कॉफी बनाते हुए। गाइस signing off from goal guys, this is goal, ye pura goal ka rasta dekh lo, goal mein bahut hi sahi mausam chal raha hai mahashivratri ka, aur fir abhi hum fir ja rahe hain kedarji, hum just up, abhi just humne few yoga poses kiya and then this is the beautifulest sunset behind me। और ये मम्मी नानी का टेरेस, और ये मोर लोग भी सनसेट देखने आते हैं, लाइक रियली यहाँ पे इसे ऊपर बैठ जाते हैं और ये लोग भी एकदम ऑन टॉप पे बैठ के सनसेट देखते हैं। और इट्स सनसेट और इतना फुल ऑरेंज है, सो इट्स ब्यूटीफुल। आज की वाइब बहुत अच्छी है, यहाँ की हवा में क्लेंजिंग है, लाइक इट इज़ सो मच क्लेंज हैपनिंग। और जो वाइब्रेशंस है इन द यूनिवर्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। लोगों में जश्न भी इतना ही है, और दूसरे हम जो गांव में जाके हैं वो भी गांव में बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली अभी चालू होगा हमारे यहाँ पे भी केदारेश्वर महादेव है गांव की स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम रात को जाएंगे और आपको बताएंगे सारी चीज़ें। फिलहाल हम करेंगे इन्जॉय ये ब्यूटिफुल सनसेट जो है मेरे पीछे। गाइज द ब्यूटी इज अमेजिंग, मतलब डूड वाओ। मेरे पीछे से यहाँ से पिकॉक उड़ के वो उधर जाके बैठा है। और ये आप जब रेंजेस देखते हो ना माउंटेन्स के, ये छोटे छोटे देखो इतने वो सुंदर लगते हैं, लाइक इट्स नेवर एंडिंग एंड द सन सेटिंग, द कलर्स कमिंग अप, लाइक द कलर्स आर चेंजिंग, इतना मस्त लग रहा है। बहुत शांति है यार यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है, इट्स सुपर गुड। आज का महाशिवरात्रि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत खुला है, जहाँ तक नज़र है वहाँ तक स्काई है, वहाँ तक माउंटेन्स है, अलग अलग कलर्स है, अलग अलग आवाज़ें हैं, बर्ड्स की नेचर साउंड है, सो दैट्स अ गुड स्टफ हियर एंड इट्स सुपर गुड गाइस। आप देख सकते हो मेरे पीछे, आप भी अपने गांव जाओ, आप कौन से गांव से मुझे कमेंट्स में बताओ। सो कमेंट मी, और दिस इज माय गांव, आई एम वेरी प्राउड टू बी बॉर्न हियर। ये हमारे गांव में कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे नेटवर्क लगाया है, लाइक फुल नेटवर्क। जितना मुझे मुंबई में नेटवर्क नहीं आता, वहाँ उधर इधर नेटवर्क ज़्यादा आता। सब लोग के टेरेस से आप देख सकते हो नज़ारा, ये सुंदर सा। हम ऊपर गए, नीचे आए, उसके बाद हम विराजमान हो गए हैं और अब तक उठे नहीं हैं। इट्स 8:30 राइट नाउ, फिर हमें जाना है, तो मैं सारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं वहाँ तुरंत डालती हूँ, व्लॉग आने को टाइम लगता है, सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन।